सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल एसपीएस किसान एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने वाले हैं, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी पूरे विस्तार से। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, और इस वीडियो के बाद आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है, प्रतिलोम, आपने त्रिकोणमिति फलन तो पढ़ा ही होगा पहले से ही, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। मतलब कि आपको ये बोलना है प्रतिलोम, ठीक है। तो प्रतिलोम, ठीक है, और त्रिकोणमिति, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। प्रति मीन्स उल्टा, प्रति इनवर्स, ठीक है। और त्रिकोणमिति, आपने त्रिकोणमिति तो पढ़ा ही होगा पहले से ही। त्रिकोणमिति कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है हमारा, छह प्रकार का होता है। क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये जो कि हमारे छह त्रिकोणमिति अनुपात होता है, ठीक है। देखिए, ये छह हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हैं। तो ये तो आप पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में, ठीक है। तो जो ट्वेल्थ में है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मतलब कि आपने इन सबको पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है कि त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम। प्रतिलोम में होता है उल्टा, तो इसका हमको करना क्या है? उल्टा कर देना है, बस यही है कि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रति, प्रति में क्या होता है? जो ये साइन थीटा है, ठीक है, जब इसको बराबर करते हैं, ठीक, बराबर। तो साइन थीटा जो होता है, जब इसको बराबर के इधर जब हम भेजेंगे तो ये हो जाता है साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा। अब कॉस थीटा को लेंगे तो कॉस से हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा हो जाएगा और ये कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से इसको भी कर लेंगे टेन इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कि ये इधर रहे ना प्लस में इधर, और इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। मतलब कि ये इधर सीधा में था और इधर जाएगा तो उल्टा में हो जाएगा। मतलब प्रतिलोम, प्रति मीन्स उल्टा, ठीक है। तो ये मैं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है, त्रिकोणमिति फलन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब ये कॉट हो जाएगा, कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा, और ये सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा, और ये कॉसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति फलन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे तीन चार्ट दिख रहे होंगे, जो कि हमारा ये पहला चार्ट है, और ये दूसरा, तीसरा, और ये एक और है जो कि चौथा। तो ये आपको जो चार चार्ट जो दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। मतलब कि आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सभी सवालों को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो चार्ट हैं चारों, वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो आप आसानी से पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो सवाल हैं उन्हें आसानी से आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है जो कि दिया हुआ है साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में दे दिया हुआ है साइन थ्री पाई बटे में फाइव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपने पहला जो हमने जो चार्ट आपको बताया है अभी, उसमें से आपने पहला प्रगुण जो देखा होगा तो उसमें दिया होगा कि साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है यक्स, मतलब कि थीटा। साइन इनवर्स
साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, या यहाँ पे यक्स होगा तो यहाँ पे यक्स होगा, ठीक है। तो ये अपने पहले चार्ट में देखा होगा, तो इसको चलिए हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए साइन इनवर्स थ्री पाई और फाइव, ठीक है, थ्री पाई बटे में फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए साइन इनवर्स उसके बाद हम साइन, अब देखिए थ्री पाई बटे में फाइव, तो थ्री पाई बटे में फाइव है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पाई और यहाँ पे पाई हो जाएगा और बीच में माइनस फाइव। तो देखिए होगा क्या कि फाइव हो जाएगा और यहाँ पे टू पाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए फाइव पाई माइनस टू पाई, तो क्या हो जाएगा हमारा थ्री पाई, ठीक है, और बटे में फाइव। तो देखिए हमने इसको जो कि थ्री पाई बटे में फाइव को हमने इस प्रकार से तोड़ लिया है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि इसके स्थान पे इसको हम लिख सकते हैं पाई, ठीक है, उसके बाद माइनस टू पाई बटे में फाइव, ठीक है। तो देखिए हमने लिख लिया यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस टू पाई बटे में फाइव, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, मतलब कि इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया है, थ्री पाई बटे में फाइव को इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई टू पाई बटे में फाइव, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से तोड़ लिए। अब हमने चूँकि यहाँ पे एक जो कि फार्मूला देखा है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है हमारा थीटा, ठीक है। तो देखिए नब्बे माइनस मतलब कि 180 माइनस थीटा, ठीक है, हमने एक और फार्मूला पढ़ा है जो कि 90 180 माइनस ये जो कि पाई बराबर होता है हमारा 180, ठीक है, 180 अंश साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। अगर आपने ये जो सूत्र है वो नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जहाँ से इस सूत्र को हमने ट्रिक के माध्यम से भी बताया है और आसान तरीके से पूरा उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन क्या है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन और टू पाई बटे में फाइव, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे क्योंकि 180 है ये हमारा और माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे ये है और 180 है ये, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा हमारा और थीटा का मान ये है तो थीटा हमारा हो जाएगा। अब देखिए जो कि हमने अभी यहाँ सूत्र देखा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, केवल थीटा, मतलब कि ये हमारा थीटा है, तो हो जाएगा हमारा पाई अपॉन फाइव जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेडियन में ही इसको आंसर को छोड़ देना है, ठीक है, रेडियन में इसका मान आएगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए साइन इनवर्स साइन तीन पाई बटे में फाइव दिया हुआ है, तो उसको हमने दो भागों में तोड़ा है, तोड़ा कैसे, फाइव पाँच कहने पाँच और माइनस दो पाई, तो फाइव पाई माइनस टू पाई, तो हमारा हो जाएगा कि केवल थ्री पाई, ठीक है। तो हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, फाइव पाई माइनस टू पाई, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे फिर माइनस हो जाएगा ये, उसके बाद क्या है हमारा कि टू पाई हो जाएगा और 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये पूरा हमारा 180 है और ये थीटा है, तो 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद हमने ये इस फॉर्मूला का यूज किया है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर साइन बस थीटा केवल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार में चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ।
तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स कॉट 5π बटे में 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सेम टू सेम इस प्रकार का सवाल है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे कि हमको पहले इस क्वेश्चन को लिख लेना है कॉट इनवर्स और फिर कॉट पाई पाई 5 बटे में ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमको पाई जो 5 पाई है हमारा और बटे में 4, इसको हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि हमारा जो कि ऐसे ऐसे फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पाई जो 5 है और पाई बटे में 4 है, ठीक है। तो इसको हमको दो भागों में तोड़ना है। अगर हम यहाँ पे अगर हम पाई लिख दें और प्लस 4 और पाई, ठीक है, अगर हम इस प्रकार से लिख दे रहे हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे 4π और प्लस पाई और बटे में 4, तो 4π और 1π क्या हो जाएगा हमारा 5π अपान में 4। तो ये जो कि हमारा इस प्रकार से देखिए आ गया, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं दो भागों में, पाई प्लस पाई बटे में 4, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसको लिख लेते हैं कॉट इनवर्स कॉट, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन में 4 और ये हमारा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब देखिए कॉट 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉट 180 प्लस थीटा। देखिए कॉट 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो कॉट 180 प्लस थीटा, तो जो कि ये तीसरे घर में है, मतलब कि तीसरे तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि 180 प्लस थीटा है, तो कॉट थीटा प्लस में होता है, तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उससे जाकर देख लीजिए, इस पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा, तो हम क्या लिखेंगे कि 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा हमारा कॉट और थीटा, थीटा का मान है हमारा पाई बाई 4, ठीक है। तो अब हमने एक फार्मूला और देखा है यहाँ पे अभी कि साइन कॉट इनवर्स यक्स बराबर कॉस, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से कुछ देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होता है थीटा, ठीक है। हमने ये अभी जो कि फार्मूला है, आपने उस चार्ट को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये फार्मूला है और देखिए इसी फार्मूला पे हम इसको रखेंगे। तो देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा केवल, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, रेडियन में आंसर इसका आएगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन में आ गया होगा मैंने किया क्या है कि 5π बटे में 4 को हमने दो भाग में तोड़ा है, पाई प्लस पाई बटे में 4, ठीक है। उसके बाद हमने 180 प्लस थीटा का हमने यहाँ पे सूत्र लगाया हुआ है, चूँकि यहाँ पे 180 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा पाई बाई 4, और फिर इस फार्मूले का यूज करके हमने पाई बाई 4 यहाँ पे मान निकाल लिया। तो यहाँ से हमारा जो कि क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए तो देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए हमने लिया हुआ है यहाँ पे साइन, फिर ब्रैकेट में हमने लिया हुआ है कॉस कॉट इनवर्स यक्स, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ जो कि अलग कुछ अलग टाइप का है, तो अब इसको भी उस प्रकार से हल करना है, मतलब कि पहले हमको जो ये बाहर हमारा दिया होगा, जो अनुपात हमारा जो बाहर दिया हुआ है, जो साइन मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी साइन होना चाहिए। अगर यहाँ पर कॉस दिया है तो यहाँ पे कॉस होना चाहिए, और यहाँ पे टेन दिया है तो यहाँ पे टेन होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जो भी अगर दिया हो ये दोनों की वैल्यू जो है समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हमको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला कैसे लगाते हैं, मान लीजिए जो ये हमारा कॉट इनवर्स यक्स है, ठीक है, तो कॉट इनवर्स यक्स को हम क्या करेंगे कि कॉट इनवर्स यक्स बराबर हमें मान लेते हैं थीटा, ठीक है, माना कॉट इनवर्स यक्स बराबर थीटा।
तो हमारे क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर यक्स। चूँकि ये यूनिवर्स में जब इधर जाएगा तो हमारा केवल कॉट थीटा हो जाएगा और ये यक्स हमारा बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिखा है। तो अब देखिए क्या करना है, अब हमारा कॉट यक्स का ये मान दिया हुआ है। तो कॉट यक्स बराबर क्या होता है, जो कॉट थीटा का जो मान होता है कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा लंब लाल बटे कक्का, मतलब कि ये कॉट थीटा बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, जो कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे देखिए लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये चूँकि ट्रिक है कि लाल बटे कक्का, और देखिए तो कॉट यक्स दिया हुआ है मतलब कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, मतलब कि आधार बटे में लंब। तो ये आधार हमारा दिया हुआ है आधार और बटे में एक एक दिया हुआ है लंब, ठीक है। तो आधार ये हो जाएगा हमारा और लंब ये हो जाएगा। तो हमको निकालना है ये कर्ण निकालना है, ठीक है। चूँकि हमको साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमको साइन थीटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो कैसे हो जाएगा हमारा, तो देखिए साइन जो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और देखिए तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हम रख देते हैं इसको, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यक्स का स्क्वायर, और ये कर्ण है तो कर्ण है तो स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारा निकल गया इसका, चूँकि कर्ण निकल गया वन का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हमको क्या करना है कि इसमें से हमको साइन थीटा निकालना था, कॉट थीटा को हमको साइन थीटा में बदलना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा ये हमारा बटे कर्ण। तो वन अपॉन में अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो अब हमने तो ये जो कि साइन थीटा का मान निकाल लिया, अब हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं इनवर्स में करके, यहाँ पे हम इसको रख देंगे। तो देखिए रखेंगे कैसे कि साइन थीटा हमने क्या यहाँ पे क्या माना था कि कॉट यक्स बराबर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर यक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि थीटा बराबर जो कि थीटा बराबर साइन को जब इधर भेजेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में साइन इधर जाता है तो इनवर्स में हो जाता है, मतलब कि ये माइनस में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो हमने ये जो कि मान निकाल लिया है थीटा का, अब हम यहाँ पे यक्स के स्थान पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब थीटा है हमारा, तो अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि साइन और फिर ब्रैकेट में साइन कॉट जो इन्वर्स है कॉट इन्वर्स यक्स के स्थान पे हम लिखेंगे साइन इन्वर्स वन अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर। तो साइन इन्वर्स वन अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर, और फिर हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने कुछ इसको दूसरे तरीके से बना लिया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा अनुपात है यहाँ पे भी वही है, ठीक है, मतलब कि साइन यहाँ पे भी है तो साइन थीटा यहाँ पे भी है। तो इसका आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है, ये आपने वो प्रगुण पढ़ा है जो कि हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वहाँ से आप इसका PDF जो कि डाउनलोड कर लीजिएगा। वो अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो ये मैं वादा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति आसानी से आप इसे हल कर लेंगे। तो देखिए साइन जो कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर साइन और फिर ये साइन इनवर्स यक्स बराबर होता है केवल यक्स, ठीक है, चूँकि ये हमारा जो कि फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इसको रखेंगे। तो देखिए साइन यहाँ पे भी हमारा दिया हुआ है, साइन यहाँ पे भी दिया हुआ है, अब यक्स है तो बराबर हम क्या लिखना है यक्स, केवल ये हमारा बचेगा, ठीक है। तो बचेगा कि हमारा केवल ये वन अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर, तो ये हमारा बचेगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
हमने किया क्या है कि साइन कॉट मतलब कि दो अलग अलग दिए हुए हैं, पहले हम इसको एक में चेंज करेंगे, ठीक है। तो साइन कॉट है तो इसको हम साइन में चेंज कर दिए, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हम यहाँ पे जो कि पाइथागोरस प्रमेय में से हमने इसको निकाल लिया है। और देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान रख के थीटा बराबर साइन इनवर्स वन अपन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस सी एक्स का स्क्वायर, उसके बाद हमारा हो गया कि साइन, और फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, तो यहाँ से हमारे जो कि ये आंसर निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो हमने अगला के यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है कि टू टेन इनवर्स वन अपन टू उसके बाद बराबर टेन इनवर्स फोर अपन थ्री सिद्ध कीजिए, मतलब कि इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो आप देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछते हैं, तो इसको हल कैसे करें। देखिए तो जो मैंने अभी आपको जो बताया है यहाँ पे प्रगुण जो कि चार्ट हमने जो हम आपको दिया हुआ है उसमें जो कि हमने एक फार्मूला देखा है कि टू टेन इनवर्स यक्स बराबर होता है हमारा टेन इनवर्स टू यक्स अपॉन में वन माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने जो कि पढ़ा है, तो देखिए हमारा जो सूत्र है टू टेन इनवर्स यक्स बराबर टेन इनवर्स और टू एक्स माइनस बटे में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको रखेंगे। तो देखिए हमारा जो कि इसको सॉल्व करते हैं, चलिए तो देखिए टू इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, तो देखिए हमारा जगह टेन इनवर्स हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को माल कर रहे हैं और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो टेन इनवर्स और फिर हमें फॉर्मूले में लिख लेते हैं टू एक्स बटे में वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसी में इस मान को रख देते हैं, तो देखिए इसमें एक्स का मान क्या है, ये है हमारा एक्स का मान, ठीक है। तो एक्स के स्थान पे भी इसको रखेंगे, तो टू और इंटू वन अपान टू बटे में ये हमारा अंदर है और यहाँ पे इनवर्स है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया हमारा, अब वन माइनस एक्स की स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब वन अपान टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम हल कर देंगे तो जो कि हमारा आंसर मतलब कि इसके जो कि बराबर आ जाएगा, देखिए अब हमारा हो जाएगा ये हमारा कट जाएगा यहाँ से टू, तो वन बचेगा अपॉन में बचेगा वन माइनस वन अपॉन फोर, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन में चार माइनस वन अपॉन में फोर, ठीक है। तो अब इसको जब हल करेंगे हम तो टेन इनवर्स फोर अपॉन में ये जो हमारा फोर है ये ऊपर चला जाएगा और ये फोर में से वन जाए तो हमारा थ्री बचेगा, तो जो कि हमारा देखिए राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए ये हमको सिद्ध करना था कि टेन इनवर्स फोर अपॉन थ्री बराबर टेन इनवर्स फोर अपॉन थ्री, ठीक है। तो देखिए हमने इस फॉर्मूले की यूज़ से मतलब कि अगर आपको फार्मूले याद हैं पूरे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से पूरा लगा लेंगे, पूरा एकदम आसानी से उसको हल कर लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर जितने में मैंने उसको पीडीएफ को दिया आपको, आप उन पीडीएफ में से अगर सभी फार्मूलों को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से सभी जो क्वेश्चन हैं उनको हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में केवल इतना ही, मैंने आपको जितना यहाँ पे इसमें पढ़ाया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में दो तीन क्वेश्चन भी बताएं और उन क्वेश्चंस और भी आपको क्वेश्चंस मिले तो उसे हल कीजिए और उसको देखिए कि उसका आंसर नहीं अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछिए कमेंट में। तो फ्रेंड्स और भी इसमें जो क्वेश्चन हैं अगर आप उन जो भी मैंने आपको पीडीएफ दिया अगर आप उन्हें याद कर लेते हैं तो आप उन्हें सवाल उन जो आगे मैं आपको सवाल दूंगा उससे आप आसानी से हल कर लेंगे, मतलब कि आने वाली जो वीडियो है उसमें और भी हम सवाल देखेंगे और भी इससे क्योंकि पेपर में आने लायक हम सवाल देखने वाले हैं। तो इतना आपको जो कि रिविज़न करना है जो कि जितने भी हमने सवाल बताए उसे आप रिविज़न कर लीजिएगा। तो एक बार और मैं बता देता हूँ प्रतिलोम का मतलब होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स, मतलब प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स
अब अभी इसकी ये जो कि वीडियो का पार्ट वन था, अब पार्ट टू आने वाले वीडियो में मैं बना दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँगा तब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।